क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वन एट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट वन थ्री। यहां से हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है डी वाई और डी एक्स। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है बिकॉज एक्स वाई जो है मिक्सअप होके आ रहे हैं, वी आर अनएबल टू मेक वाई द सब्जेक्ट। जहां पे वाई को सब्जेक्ट ना बना सके हम, उस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहां से हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने डी वाई ओवर डी एक्स। तो कैसे करेंगे, वी आर डिफरेंशिएटिंग ईच टर्म ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी आर डिफरेंशिएटिंग ईच साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सो एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू वन, और दिस इज अ पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पे हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है इस पॉइंट पे। तो डिफरेंशिएटिंग ईच साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स थ्री की डिफरेंशिएशन तो वेरी सिंपल, थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगी प्लस। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है सेकंड टर्म में, थ्री एक्स वाई स्क्वायर, दो फंक्शन है एक्स और वाई स्क्वायर, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और डिफरेंशिएट करेंगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थ्री को कॉमन ले लेते हैं, दो टर्म्स हैं यू बी डैश प्लस बी यू डैश, एक्स रिमेन ऐसा। वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, टू वाई और साथ आपने लिख देना है डी वाई ओवर डी एक्स बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस। प्रोडक्ट रूल में सेकंड टर्म होती है बी यू डैश, अब वाई स्क्वायर को हम ऐसा लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये हमने डिफरेंशिएशन की है अभी थ्री एक्स वाई स्क्वायर की। इसी तरह अब हम वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल बी माइनस थ्री वाई स्क्वायर और साथ आपने लिखना है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो बिकॉज वन की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। तो अब हमने क्या करना है, पहले ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री के साथ हर टर्म को, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी आर टेकिंग कॉमन डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स मैंने फाइंड करना है, तो ये दो टर्म्स में डी वाई ओवर डी एक्स इन्वॉल्व है, तो वी कैन टेक कॉमन डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमने कॉमन दिया है। तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास हैं थ्री वाई स्क्वायर और थ्री एक्स स्क्वायर, उनको राइट पे ले जाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, थ्री वाई स्क्वायर नो डी वाई ओवर डी एक्स जो है ये आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर ओवर सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस थ्री कॉमन लेते हैं फ्रॉम न्यूमिरेटर, माइनस थ्री विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में से थ्री वाई कॉमन ले सकते हैं विद इन ब्रैकेट टू एक्स माइनस वाई, ये थ्री कैंसिल आउट हो जाता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई इंटू टू एक्स माइनस वाई। नाउ डी वाई वी हैव टू फाइंड डी वाई डी एक्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, यहां पे एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू थ्री पुट कर देंगे, पॉइंट इज गिवन, यहां पे ग्रेडियंट फाइंड करना है, दिस इज अ पॉइंट, एक्स हम वन पुट करेंगे और वाई की वैल्यू थ्री पुट करेंगे यहां पे, तो
dy over dx will be minus 1 plus 9 over 3, 2 minus 3. Simplify karenge to we get dy over dx will be 10 over 3. This is the gradient at this particular point. This is the numerical value of the gradient.